दोस्तों पहले तो साउथ अफ्रीका की टीम को भारतीय टीम के हाथों बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, मगर दोस्तों हार के बावजूद भी बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका की टीम पर लगाया 7 करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताए, बीते कल भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया, जिसमें इंडिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 326 रन स्कोर लगाए 5 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा विराट कोहली ने 101 रन की तूफानी पारी खेली और श्रेयस अय्यर ने 77 रन का योगदान दिया, जबकि अंत में आकर रविंद्र जडेजा ने 15 गेंदों में 29 रन उड़ाए। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब साउथ अफ्रीका की टीम जब मैदान पर आई तो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों के भारतीय गेंदबाजों ने परखच्चे सोड़ा कर रख दिए और केवल 27.1 ओवर तक 83 रन के स्कोर तक ही ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 243 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। मगर दोस्तों आपको बता दें, हार के बावजूद भी बीसीसीआई ने स्लो ओवर रेट के चलते बड़ा जुर्माना लगा दिया, क्योंकि दोस्तों स्लो ओवर रेट होता है एक निश्चित टाइम के अंदर दोनों टीमों को ओवर फेंकने होते हैं, मगर दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम इस कारनामे को नहीं कर पाई और सिर्फ 2 मिनट लेट होने के चक्कर में बीसीसीआई ने साउथ अफ्रीका की टीम पर इतना बड़ा जुर्माना जबरदस्ती ठोक दिया।